तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल SMII पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात कर लेते हैं शॉर्ट सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी की पेनी स्टॉक की। जी हाँ, बात करेंगे FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, क्योंकि इस स्टॉक में आज फिर ब्यूलिश मोमेंटम है। ये थी 7% के अराउंड रैली है। ये स्टॉक 2.92 की प्राइस के अराउंड ट्रेड कर रहा है एट नियरली 12:08 PM। तो आइए इसके भी लेटेस्ट अपडेट ले लेते हैं, देख लेते हैं कि आज इस स्टॉक में क्या न्यूज़ चल रही है। लेकिन नए आए हो दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ये जो स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म में एक मल्टी बैगर स्टॉक निकल कर आ रहा है, जिसने अपने निवेशकों को मालामाल किया हुआ है, क्योंकि IT सेक्टर की कंपनी है और इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही बढ़िया है। आज यदि इस स्टॉक में मार्केट सेंटमेंट्स देखें तो बहुत ही बढ़िया हो चुकी हैं। इसकी वैल्यूएशंस और इसका डाटा एक बार चेक कर लेते हैं। दोस्तों, इसका जो 52 वीक हाई लेवल है 3.34 का है, जबकि 52 वीक लो लेवल इसका 1.84 के राउंड है। और इसका जो प्राइस बैंड है 20% का सर्किट इस स्टॉक में जो है वो लिमिट देखने को मिल रही है। तो यदि दोस्तों इसकी हम मार्केट कैप देखें तो नियरली इसका 500 करोड़ का मार्केट कैप निकल कर आ रहा है। और यदि इस कंपनी का बिजनेस देखें, ये कंपनी IT एनेबल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आज मार्केट सेंटमेंट्स देखें तो बाई की क्वांटिटी 7,96,000 के राउंड है और सेल की क्वांटिटी भी हैवी है, 21,89,851 की है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस स्टॉक में ना एक न्यूज़ आ गई है, इसके जो बोर्ड की मीटिंग है वो फिक्स कर दी गई है। तो कंपनी ने इंटीमेशन दी है कि इस कंपनी के बोर्ड की मीटिंग जो है दैट इज़ शेड्यूल्ड ऑन 7 नवंबर, दैट इज़ 7/11/2023 टू डिस्कस द रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी विल डिस्कस द फॉलोइंग आइटम, दैट इज अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड द हाफ ईयर एंडेड ऑन द September 30। तो इसके जो क्वार्टरली नतीजे हैं वो भी डिस्कस होंगे Q2 के, और साथ के साथ जो हाफ ईयर है, क्योंकि दोस्तों हाफ ईयर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है September 30 को, तो उसके रिजल्ट्स भी आएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक की जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है इसके नंबर्स पे ही डिपेंड करेगी, क्योंकि यदि नंबर्स इंप्रूव हो जाते हैं तो फिर इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनता दिखाई दे सकता है। क्योंकि यदि जून क्वार्टर की बात करें तो मार्च के मुकाबले कंपनी का जो रेवेन्यू है जून में रिड्यूस हो गया था। हाँ, प्रॉफिट जरूर बढ़ गया था, क्योंकि मार्जिन जो है वो इंप्रूव हो गए थे। नेट प्रॉफिट मार्जिन में देखो इंप्रूवमेंट होने के कारण कंपनी के नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हो गई थी, क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें 3 से बढ़कर 6.94 हुआ है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इसीलिए बढ़ गया है। लेकिन सेल्स कम हो रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स कम हो रही हैं। लेकिन आने वाले टाइम में यदि कंपनी के जो सेल्स हैं वो भी इम्प्रूव हो जाते हैं, टोटल रेवेन्यू इम्प्रूव हो जाता है, तो फिर एक अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में बन सकता है। अदरवाइज देखो कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। नेट इनकम में मैनीफोल्ड जंप देखने को मिला है, क्योंकि मार्जिन इंप्रूव हो गए हैं। लेकिन सेल्स लेवल पे यहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, नियरली 3% के अराउंड रैली है। लेकिन नेट इनकम में एक अच्छा मोमेंटम है, क्योंकि दोस्तों कोई भी कंपनी हो उसका जो मेन टारगेट रहता है वो नेट इनकम को इम्प्रूव करना है, प्रॉफिट को इम्प्रूव करना है। क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और फंडामेंटल्स भी बढ़ेंगे, लेकिन रेवेन्यू लेवल पर भी कंपनी को काम करने की ज़रूरत है। अब इसका चार्ट देखें तो आज ब्यूलिश रिवर्सल हो गया है, 5 डेज़ में नियरली 11% की रैली हो गई है, 1 मंथ में भी एक वी शेप रिकवरी देखने को मिल रही है। यदि लॉन्ग टर्म का डाटा देखें 6 मंथ का, तो यहाँ पे भी एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो स्टॉक है ना कंटिन्यूसली हायर हाइज लगाता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो इसके जो सपोर्ट लेवल हैं वो भी बढ़ रहे हैं, 22% के रिटर्न्स हैं, और जीए टिल डेट में भी देखो 4.64% के रिटर्न्स हैं। यहाँ पे चार्ट देखो इस स्टॉक का, ये स्टॉक बहुत ही तेज़ी से सडनली रैली करता है। ये इसकी अपर ट्रेंड लाइन है, ये चल रही है इसकी अपर ट्रेंड लाइन, और ये इसकी लोअर ट्रेंड लाइन दिख रही है। ये जो स्टॉक है इन्हीं ट्रेंड लाइन्स के बीच में जो है वो रिवर्सल शो करता है। जैसे ये स्टॉक लोअर ट्रेंड लाइन के राउंड जाता है सपोर्ट बना के, फिर एक अच्छा रिवर्सल आता है, लेकिन अपर ट्रेंड लाइन के राउंड जाके फिर गिरावट आ जाती है। तो ये स्टॉक इसी तरह जो है एक ट्रेंगुलर पैटर्न फॉर्म करता दिखाई दे रहा है। अब फिर ये स्टॉक अपनी लोअर ट्रेंड लाइन के राउंड सपोर्ट बना के एक रिवर्सल शो कर रहा है। तो यदि नंबर सही रहते हैं तो ये स्टॉक फिर तेज़ी से भाग के और
3.50 के लेवल तक भी जा सकता है, अपने प्रीवियस जो हाईएस्ट लेवल है उसको क्रॉस कर सकता है। अब इसका यदि मोटा मोटा रेजिस्टेंस देखे तो वो 3 के अराउंड ही बन रहा है, तो 3 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जिसके जिस पे आपको आने वाले दिनों में फोकस करना है। यहाँ पे देखो ये इसका 3 का रेजिस्टेंस है, यदि ये स्टॉक 3 के क्रॉस कर लेता है तो फिर इस स्टॉक में 3.50 और इवन 4 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं, और यदि इसके नंबर्स रहें ये स्टॉक बहुत ही शानदार रैली शो कर सकता है। तो इसलिए नंबर्स पर जरूर फोकस करें, कल 7 नवंबर को इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, उस पर जरूर हम कवरेज करके आपको निवेश की राय देते रहेंगे। थैंक्स अगेन।